गाइस, इस औरत के लिए आज मेरी पूरी तरीके से ज़िंदगी ख़राब हो गई। मेरी शादी टूट गई, अब पता नहीं क्या होगा। कौन देगा मुझे सहारा? आप लोग प्लीज़ कुछ करो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आफरीन और आज एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आ गई हूँ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ महाराष्ट्र मेकअप, ब्राइडल मेकअप कराने के लिए। और मैं बाहर निकल गई हूँ, मतलब रास्ते में ही हूँ, और मैं ऐसे जा रही हूँ, पता है आप लोगों को क्यों। सो मैं वहाँ पर जाके बात करती हूँ, क्योंकि वेदर अभी बहुत ख़राब है, शायद अभी बारिश होने वाली है। सो लेट्स गो। सो गाइज, अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और अच्छे से सेट हो गई हूँ। अब शुरू होने वाला है मेरा मेकअप। तो वीडियो के बारे में तो मैंने बताया था आपको कि मैं शादी है ना, तो हाँ वही। और आपको मराठी तो आपने किया ना ब्राइडल मेकअप? हाँ, মারাঠি থোড়া আলাদা হতা হ্যাঁ না সে জানি আমি বলতে চাইছি যে বাঙালি অবাঙালি দু রকমই আমি অনেকই মেকআপ করেছি তো এতে কোনো অসুবিধা নেই আমি আপনি চিন্তা করবেন আমি ঠিকই করে দেব জি ঠিক আছে আপনি স্টার্ট কিজিয়ে কাফি দের হো গই হ্যায় स्टार्ट बोलने के तुरंत बाद ही वो आगे एक वाइप्स लेके मेरी स्किन को साफ़ कर रही थी, और वो दोनों हाथों में दोनों टाइप्स के ग्लव्स पहने थी। एक तो नॉर्मल वाला था और दूसरा था प्लास्टिक का, जिसे खड़ 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 आवाज़ आ रही थी। आपने लिपस्टिक नहीं साफ किया? पता नहीं, लोग सब कुछ करते बट लिपस्टिक साफ करना भूल जाते, अजीब है यार। हाँ हाँ, घिसो घिसो घिस के मेरे लिप्स को एकदम स्ट्रॉबेरी बना दो, स्ट्रॉबेरी जैसा रेड रेड। तब आगे इनका मॉइस्चराइजर क्रीम जो है शोमेस का, और ये काफ़ी अच्छा है। मेरे ख्याल से ना आपको ब्रश यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी के सिचुएशन में ऐसे किसी के फेस पे तो टच करना नहीं चाहिए, आपको भी सेफ रहना चाहिए। क्रीम तो हाँ समझ सकते हो, आप हाथ से लगाओ, बट ये आपका हाथ नहीं है यार, इसमें तो आप ग्लव्स पहने हुए हो। आप उसको खोलो, सैनिटाइज करो, उसके बाद लगाओ, बट नहीं, उनको तो इसे ग्लव्स से लगाना है। अजीब है, एक दिन मैं सच में इस ओट्स मेकअप के चक्कर में पागल ही हो जाऊँगी। तब आ गया इनका प्राइमर, और ये कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही ये मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो सारे थोड़ा सा दूर पर रखा हुआ था और शायद वो मुझे दिखाना नहीं चाह रही थी। सॉरी, मैं प्रोडक्ट नहीं बता सकती आप लोगों को। तो अब तक तो सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ही चल रहा है, अब देखती हूँ आईब्रोज़ को वो कैसे ड्रॉ करती है। और एक जो चीज़ है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स जो है वो मेकअप आर्टिस्ट है, और वो लोग मुझे मैसेज करते हैं मेकअप के लिए, बेस्ट मेकअप के लिए। पर मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि उनका घर काफ़ी दूर रहता है मेरे घर से, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। बट अगर कोई कोलकाता में हो, मेरे घर के आस पास हो, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो मैं उनसे अपना मेकअप ज़रूर कराऊँगी। नहीं, मैं नहीं करती हूँ, मतलब ऐसे ही नेचुरल आईब्रोज मुझे पसंद है। तो अगर मुझे कराना होता तो मैं आपको कह ही देती, क्या ज़रूरत है, काम करती हूँ, मैंने अपना ज़मीन ही लिख देती हूँ तुम्हारे नाम पे। हाँ वैसे देखो मेरे आईब्रोज को, एक किया मोटा एक किया पतला, मतलब रावण जैसे आईब्रोज। ग्लव्स से जो प्रॉब्लम हो चला तो तुम्हारे दीदी? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। या दीदी? अरे यार, अपना उम्र देखो और मुझे देखो यार, कैसे किसी को तुम दीदी कह सकते हो यार। वहाँ पे मेरी साड़ी है ना, आप देख लीजिए उस हिसाब से, ब्लू और ग्रीन कलर की साड़ी है ना। साड़ी कलर में थोड़ा, अच्छा यहाँ पे तो मतलब हम कोलकाता में तो ज्यादा महाराष्ट्र लोग नहीं रहते, तो आपने कहाँ से, मतलब कहाँ पे किया मेकअप? फ्लैट मराठी मारवाड़ी कॉन्टैक्ट आई तो अभी लगने वाला है कंसीलर, और कंसीलर को उन्होंने उस ग्लव से लगाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा लग रहा है वो आटा है, मतलब आटा ही लग रहा है, क्योंकि ऐसे ग्लव से तो नहीं लगता ना, तो उनका एक ब्रश यूज़ करना चाहिए था, बट नहीं किया उन्होंने। ओह शुक्र है इनके पास एक छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर है, मुझे लगा वो हाथ से ही वो करेगी। और बरसों बीत गए इस वर्ड्स मेकअप में, मैंने पहली बार शायद ब्यूटी ब्लेंडर देखा, मैंने बहुत पहले देखा था एक लेडी को यूज़ करते हुए, उसके बाद तो सारे हाथों से ही काम चला रहे थे, तो मैं एकदम इम्प्रेस हो गई कि इनके पास एक ब्यूटी ब्लेंडर है। तो अभी शुरू होने वाला है मेरा आई मेकअप। मेरे साड़ी का कलर है क्या था, ब्लू एंड ग्रीन, तो उसी के हिसाब से उनको मेकअप करना है। तो ये किससे मेकअप कर रही है पता नहीं, बट ये बहुत ही छोटा सा एक ब्रश पता नहीं इसको क्या कहते हैं, तो जो भी हो मेकअप किट के अंदर जो रहता है तो उसी से वो काम चला रही है। वैसे आप में से बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स कहते रहते हो कि जल्दी जल्दी मेकअप का वीडियो अपलोड करो, बट एक चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मेरी YouTube से इतनी भी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है कि मैं बार बार हर वीक में जाके इतना खर्च करूँ। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि मेरी स्किन के बारे में भी मुझे सोचना पड़ता है। मैं महीने में दो बार ही शायद बेस्ट या फिर ओट्स मेकअप करा सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरी स्किन को पूरा रेस्ट देना पड़ता है, तो मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आई होप कि आप लोग चीज़ को समझोगे और मुझे सपोर्ट करोगे।
तो पहले इन्होंने जो किया था कट क्रीज टाइप्स के बना लिया कुछ छोटे से ब्रश से एक डीप कलर का, उसके बाद साइड में जा रहा है ग्रीन ग्रीन, मतलब डार्क ग्रीन है ये। तो उसके बाद वो पता नहीं क्या कर रही है, कुछ ब्लेंड वगैरह कर नहीं रही थी, इसके ऊपर उसके लगा रही थी, उसके ऊपर इसको लगा रही थी, मतलब जैसे कि रंगोली चल रहा है या फिर मेरी आँखों के ऊपर बिरयानी के मसाले बन रहे हैं, तैयार हो रहे बिरयानी। और वो प्लास्टिक का ग्लव्स, उफ़, उसी से मुझे फेस को ऐसे पकड़ रही थी ना, इतना मैं हर्ट हो रही थी, मैं क्या बताऊँ, वो बहुत ही हार्ड प्लास्टिक था। तो जब उनका ग्रीन और ब्लू का रंगोली खत्म हो गया तो उसके ऊपर वो रेड कलर चढ़ा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। मेरे पास ना वो कॉन्टैक्ट लेंस है, तो क्या मैं वो अभी दूँ आपको? ना ना, शीशे पूरी दो, असुविधा नहीं है। अच्छा, फास्ट पूरी दी। जैसे मैं कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में बताना उनको भूल ही गई थी, तो अभी मुझे याद आया और वो उनको अभी वो पहनाना चाहिए था, बट इन्होंने कहा कि वो लास्ट में पहनाएंगी, तो पता नहीं लास्ट में मेरा क्या होगा। वैसे ये दोनों जो हाईलाइट उन्होंने कॉर्नर में किया आँखों के, वो बहुत ही भयानक दिख रहे हैं। और जो भी हो, ये मस्कारा से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि एक बार तो एक लेडी ने आँखों के अंदर डाल दिया था मस्कारा, तो मैं मस्कारा से बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ। हाँ, आप उनको भी वैसा ही ख्याल रखते होंगे जितना कि आप मुझे ख्याल रख रहे हो, मेरा ख्याल रख रहे हो आप जैसे, मतलब वो हार्डी प्लास्टिक से मेरी, मतलब जो पूरे फेस को ना छील रहे हो आप, और कुछ नहीं। तो इनका जो आई मेकअप है वो ऑलमोस्ट हो गया है, आप लोग तो देख ही सकते हो, और अभी लगा रही है वो आईलाइनर ऊपर और नीचे। और अभी ऐसा लग रहा है मुझे देख के कि मेरा अभी आँखों का ऑपरेशन चल रहा है, अब ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा वो तो आगे ही पता चलेगा आप लोगों को। आप घर से ही मेकअप करते हो या फिर पार्लर में हो कोई? তো লকডাউন জানাই সব বন্ধ, আমার পার্লারে আমার নিজের সোনা, কিন্তু আমি একটা পার্লারে যাই, বুঝেছো, ওখানকার এমপ্লয়ি, এখন বাড়িতে করছি, চোখটা বন্ধ করো দিদি। हाँ हाँ, मैं तो दीदी नहीं, तुम मुझे काम करो ना, मम्मी ही बुला दो, आंटी बुला लो, दादी ही बुला लो, क्यों दीदी बोल रहे हो यार? एक तो तुम इतनी बड़ी हो मुझसे, और दूसरी मुझे तुम दीदी कह रहे हो बार बार। तो जो भी हो, इनका आंखों का ऑपरेशन अभी हो गया है, आप लोग देखो कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तो जो भी हो, अभी आ गया है इनका फाउंडेशन, और फाउंडेशन का शायद इन्होंने ब्लू हेवन का कुछ यूज़ किया है, मुझे ठीक से दिखा नहीं है वो, और वो इस छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से वो पूरे फेस में इस फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही है, पता नहीं कितने घंटे टाइम लगेंगे इससे। मेरे ख्याल से तो एक घंटा लगना ही है, मतलब हाँ, बट एक घंटा तो लगेगा ही ना, साइज़ तो आप देखो कितना छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर है, इससे कैसे काम चलाएगा कोई। बट पता नहीं, कुछ लेडीज़ ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ही जादुई शक्ति होती है, और वो लोग बहुत ही जल्दी से काम वाम कर लेती है। वैसे भी ब्लेंड किसको करना है, इनको तो घिस के रगड़ के सारे जितने भी फाउंडेशन है ना, उसको घिस के ना अपने ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर ले लेते हैं ये लोग अपनी जादुई शक्ति से। उसके बाद जब कोई दूसरा आता है तो उसी ब्लेंडर से वो काम चला लेती है, उसके अंदर तो फाउंडेशन होता ही है, तो उसी से दूसरा, मतलब एक साथ दो काम हो जाता है। तो इसीलिए क्या करती हूँ, मैंने अपनी स्किन को थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ, वरना मेरा स्किन का तो हो जाएगा राम राम सत्य। तो अभी वो क्या कर रही है, उंगली से वो ब्लशर लगा रही है। तो आप लोग देखो, ऐसा लग रहा है कि अभी मैं किसी से मतलब थप्पड़ खा के आई हूँ, तो दोनों जो उंगली का जो दाग बैठ गया है मेरे एकदम चिक्स पे, तो ऐसा ही लग रहा है। अगर मैं ऐसे शादी करने गई तो लोग तो सोचेंगे कि मैं शायद भाग रही थी और मेरे मम्मी पापा ने मुझको थप्पड़ दो चार लगा के शादी के मंडप पर बिठा दिया। अरे वाह, ये लेडी तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि मैंने इनको कहा कि वहाँ पर दो उंगली बैठ गए हैं, आप थोड़ा सा ब्लेंड कर दो, तो उन्होंने दो उंगली के बीच में और एक उंगली बिठा दिया, मतलब तीन उंगली का थप्पड़ पड़ गया अभी मेरे फेस पे। ऐसे शादी करने जाऊंगी तो लोग सच में सोचेंगे कि मुझे ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं घर के लोग। तो अभी आप देख सकते हो कि उसी उंगली से वो क्या कर रही है, वो हाइलाइटर लगा रही है। तो जो भी मैं जितने भी वर्ड्स मेकअप आर्टिस्ट के पास जाती हूँ, सबके पास कुछ हो या ना हो, हाइलाइटर उनके पास भर भर के है, तो उसी से वो एकदम चमका देते हैं हम सारे ब्राइड्स को। और पता नहीं ऐसे किन किन का उन्होंने डिवोर्स करवाया, तो ये जो मेकअप है वो पक्का डिवोर्स मेकअप है। और बाय द वे, ये जो डायलॉग है ये मेरे एक सब्सक्राइबर्स का है। तो जो भी हो, अभी आ गया है इनका लिपस्टिक, और लिपस्टिक का कलर जो है वो मतलब ठीक ठाक है और ठीक ठाक नहीं भी है। मुझे इस टाइप के लिपस्टिक का कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट इन्होंने तो दे दिया, अब मैं क्या करूँ इसमें। ये वाला लिपस्टिक देखो, उनका मन बिल्कुल भी नहीं भरा, उनको दिखाना है कि मेरे पास लिक्विड लिपस्टिक भी है, तो वो उसके ऊपर लिक्विड लिपस्टिक चढ़ा रही है, और इससे मैं थोड़ा सा डायन दिख रही हूँ, मतलब खून चूसने वाली। तो महाराष्ट्रन मेकअप में जैसे कि पता है आप लोगों को, क्यूट सा हाफ मून शेप का बिंदी लगाया जाता है, तो उन्होंने वो हाफ मून नहीं किया, वो यू शेप का कर दिया, और यू के नीचे एक बिंदी डाल दिया ब्लैक कलर का आईलाइनर से। और मेरे होंठ के नीचे एक छोटा सा तिल था जिसको मेकअप से वो कवर हो गया था, तो उसी के ऊपर वो और एक बिंदी लगा लिया।
अजीब लेडी है यार ये, मतलब कुछ भी कर देती है, उनको जो ठीक लगता है वो वही कर देती है। ऐसा नहीं कि सामने वाला लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, इसको इन लोगों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इनकी हरकत देख के मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मैं बहुत हंस रही थी और वाकई में मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही। साड़ी पहनाने के बाद ठीक है फिर साड़ी पहन। तो सारी ज्वेलरी, हेयर स्टाइल सब कुछ मेरा ऑलमोस्ट हो गया है और इन्होंने एक कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया था मेरी स्किन पे जो मैंने रिकॉर्ड किया था, बट रिकॉर्ड बटन मैंने प्रेस करना भूल गई तो ये वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। आप लोग देख सकते हो कि उसको लगाने के बाद मेरा जो स्किन है वो एकदम से ब्लैक हो गया है और अभी मैं एकदम काली चुड़ैल दिख रही हूँ। और एक जो चीज़ है, अगर ऐसे कोई शादी करने जाए ना तो पक्का उसका बैठ के डिवोर्स हो जाए, शादी तो दूर की बात। वैसे मराठी लोग इसको पहनते हैं तो इसीलिए मैंने इसको लेके गई थी, बट इसको क्या कहते हैं मुझे ये नहीं पता, तो जो लोग महाराष्ट्रन हैं वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि इस चीज़ को वो क्या कहते हैं। इंस्टा पूरी है तो आईलैश तो जी लेंस पहले लगाते तो अच्छा ही होता, क्यों कभी कभी आंखों से पानी निकल जाता है ना। ये जुन्नो तो बोल रहा लेंस आगे फोड़े तो पर आईलैश पूरी दो। नहीं मैं बोल रही थी मेकअप के बाद। अच्छा ठीक है आप लगा दीजिए। तो पहली बार मैंने किसी को देखा है जो मेकअप के बाद कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की बात कर रहे थे। मैंने पहले उनको कहा था कि लेंस मैं लगा लेती हूँ, बट उन्होंने कहा कि नहीं बाद में। तो अभी देखो क्या होता है मेरे साथ। आप अगर अच्छा पहले लगाते तो बहुत ही अच्छा रहता। लास्ट के चक्कर में आज मेरा आंखों का लास्ट दिन ना हो जाए। मैं नहीं चाहती कि आखिरी बार मैं सिर्फ तुम्हें देखूं। मेरे देखने में बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें हैं। तुम्हारे फेस देख के मेरा आज लास्ट दिन अगर हो जाए आंखों का तो मैं तो तुमको खून करके जेल में चला जाऊँ पूरी ज़िंदगी। मतलब लेंस को क्या कर रही थी, देखो सिंपली वो आंखों के अंदर ठूस रही थी। मुझे नहीं लग रहा है कि होगा, एक काम कीजिए आप इसको छोड़िए, आप मुझको आई लैशेस लगा दीजिए। आंखों से पानी आ रहा है ना, पूरा मेकअप आपका ख़राब हो जाएगा इससे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो अभी मैं रो रही हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं सच में गई थी शादी करने और वहाँ पे मेरी शादी टूट गई क्योंकि इस भयानक चेहरे को देख के सारे लोग भाग गए हैं और अभी मैं रो रही हूँ, ऐसा ही लग रहा है। मतलब सच में अगर शादी होता तो शादी के पहले उनका तलाक हो जाता एकदम से और वो लड़की तो मर ही जाती। मतलब कौन आता है इनके पास मेकअप करने, प्लीज़ अगर कोई ये वीडियो देख रहे हो और सच में वो लोग अगर उनके पास मेकअप करने के लिए गए हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। कर रही हूँ। अच्छा हाँ शादी आज ही है। इंस्टा लगाते कर लो। कोई बात नहीं, कोई कर लो तुम्हारे लोग ठीक है। तो कितना देना पड़ेगा? देखो नॉर्मल तो हमें बेंगली ब्राइड ट्राइड एक जन कोड़ी उधर 2-2.5 हज़ार नहीं, तो मराठी चाहिए तो एक तो अलग धरने लुक था के तो 3 हज़ार ही दिए दाओ। 3 हज़ार बहुत ही ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता। देख आप देखिए 3 हज़ार तो नहीं, देखिए 3 हज़ार बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ठीक है, लॉकडाउन समय 3 हज़ार हो खूब भले हो तो समझ सकते हो, बट अभी हमारे यहाँ पे भी तो प्रॉब्लम ही, मतलब 3 हज़ार का मेकअप मुझे नहीं लगता कि ये है, तो मेरे ख्याल से आपको 2 हज़ार लेना चाहिए। ঠিক আছে দাও আর কি। আর কোনো মেকআপ তোমার কেউ যদি করাতে চাই তুমি সাজেস্ট করতে পারো। আচ্ছা ঠিক আছে, কোই বাত নেই, চলতি হুম। হ্যাঁ আবার আসবো।
छोड़ो, मैं तो अपने दुश्मन को भी तुम्हारे पास ना भेजूँ, एकदम डायन बना के मुझको छोड़ दिया। आप लोग देख सकते हो कि मैं कितना भयानक दिख रही हूँ। इन्होंने मुझे अच्छे से साड़ी भी नहीं पहनाया, और वैसे मेरे पास जो था उसी से मैंने मैनेज कर लिया। अब मेकअप के लिए मैं नया ज्वेलरी तो नहीं खरीदूंगी ना, इतने भी पैसे नहीं मिलते यूट्यूब से मुझे कि मैं इतना ज़्यादा कुछ खर्च करूँ, तो जितना होता है उसी से काम चला लेती हूँ। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक। आप लोग देख लो कितना भयानक मैं दिख रही हूँ। तो मैं क्या बताऊँ, ये मेरा एकदम ही मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स महाराष्ट्रन मेकअप के लिए तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया ही था, तो आप लोगों ने देख लो कि मेरा ये क्या हालत बना दिया उन्होंने। वैसे महाराष्ट्रन जो मेकअप है बहुत ही अच्छा होता है, मुझे पता है, काफ़ी अच्छा लगता है वो दिखने में, बट इन्होंने जो किया आप लोग तो देख ही सकते। आते आते ये देखो हेयर स्टाइल क्या हो गया। अगर ऐसे किसी के साथ, अगर सच में किसी का शादी हो इस लुक के साथ, तो हेयर स्टाइल तो देख ही रहे हो। शादी स्टार्ट होते होते मेरा बाल खुल के कहाँ चला जाएगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पसंद आए ऐसे टाइप के वीडियोज़ अगर देखने हो तो। और आप लोग वीडियो को शेयर करना अगर कुछ अच्छा लगे इसमें, और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।